शहर के वार्डों में पानी की समस्या को लेकर भाजपा के पार्षद सहित वार्डवासियों ने निगम कार्यालय का किया घेराव। उग्र प्रदर्शन कर निगम के गेट को धक्का देकर खोला और महापौर कक्ष के सामने पहुंचकर की नारेबाजी। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के कुछ वार्डों में लगातार हो रही पानी की समस्या को लेकर भाजपा पार्षद दल सहित वार्ड की महिलाओं ने दुर्ग नगर निगम का घेराव किया। सभी महिलाएं अपने हाथों में मटकी लेकर निगम के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन करती नजर आई। विरोध के चलते निगम के मुख्य गेट को धकेलकर सभी लोग नारेबाजी करते हुए महापौर के कक्ष तक पहुंच गए और नारेबाजी करते रहे। गौरतलब है कि शहर के कुछ वार्डों में लगातार पानी सप्लाई को लेकर वार्डवासियों को काफी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने महापौर कक्ष के सामने अपना प्रदर्शन किया। साथ ही शहर के वार्ड 1, 4, 5, 6, 3, 9 सहित अन्य वार्डों में पानी की समस्या को लेकर अपना विरोध जताया। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित वार्ड की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। पानी का बहुत भीषण समस्या है वार्ड नंबर 4 में। जनता इतना परेशान है, पब्लिक, कि टैंकर से भी पानी मंगवाया जा रहा है, वो भी पानी पूर्ति नहीं हो रहा है। 1.5-2 महीने से बहुत परेशान है पब्लिक। पानी तो बहुत जगह उधर वार्ड में कहीं जा रहा है कहीं नहीं जा रहा है, पर वार्ड नंबर 4 में बिल्कुल नहीं जा रहा है। और पहले भी अभी 1-1.5-2 महीने की समस्या तो है ही, इससे पहले भी ये समस्या है। जब भी पानी आ रहा है तो इतना पतला आता है, बघेरा टंकी से जुड़ा हुआ है, वहाँ 3-3.5 किलोमीटर से पानी आ रहा है। और पास में भी गिरधारी नगर में जो टंकी है उसमें हम जुड़वाना चाहते हैं ताकि हमको पानी भरपूर मात्रा में मिले और ये जो पानी का समस्या है वो ख़त्म हो जाए। अभी अभी का समय देखिए, गर्मी में पानी के लिए महिलाएँ इतनी परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पानी के लिए टैंकर आ रहे हैं तो सब अपना बाल्टी गुंडी सब पकड़ पकड़ के सब जा रहे हैं। इतने परेशान हैं कि पब्लिक महिलाएं सब रोड में उतर गए हैं भाई। 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के देने के बावजूद यह शहर पानी के लिए तरस रहा है। वार्ड नंबर 4, 56, 1, 17, 39 ऐसे अनेकों वार्ड हैं जहां अभी भी पानी के लिए लोग दर बदर हो रहे हैं। 77 MLD पानी हम साफ करते हैं, 77 लाख लीटर पानी दुर्ग शहर के फिल्टर प्लांटों की क्षमता है। अधिकारी गुमराह कर रहे हैं और महापौर अनुभवहीन है, वो विधायक जी के पीछे घूम रहे हैं, इसलिए ये स्थिति आई है। पेयजल संकट दुर्ग शहर में व्यापक रूप से व्याप्त है, जिसको दूर करने की मांग को लेकर हम आयुक्त का घेराव कर रहे हैं और ये अभी सामान्य घेराव है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सारे लोग सम्मिलित हैं। अगर ये पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल 3 दिवस के भीतर नहीं की जाती तो और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। और ये हठधर्मिता है महापौर की, वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और पानी की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। प्लांटों की क्षमता आधी हो गई है, इस बात को लेकर आज हमारा आक्रोश है और घेराव है। बहुत तकलीफ है हम लोग को, 1.5-2 महीने से बराबर पानी नहीं आ रहा है। तो हम लोग को गिधाई नगर वाली जो टंकी है ना उसमें अपना पाइप लाइन को जुड़वाना है आगे। हमारे वार्ड में पानी की बहुत समस्या है, कई जगहों पे पानी आ रहा है और कई जगहों पे बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पानी के लिए त्रस्त हैं, बेहाल हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। जो नई टंकी बनी है वो सिर्फ गिरधारी नगर में आता है, जयनगर से वो नहीं जोड़ा गया, लेकिन वही में जोड़ दे। वही पानी की समस्या को लेकर विरोध करने पहुंचे वार्ड वासियों पर दुर्ग महापौर धीरज बागलीवाल ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई अन्य मुद्दा ना होने के कारण सिर्फ वार्ड की जनता को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। निगम टीम के द्वारा शहर के वार्डों में स्थानीय पार्षदों की मौजूदगी में निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने सुबह ही दौरा कर पानी की सप्लाई का जायजा लिया था, जिसमें भाजपा के पूर्व पार्षद दिनेश देवांगन खुद मौजूद रहे। इसके बाद भी शहर की जनता को गुमराह करने ये सब किया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष दुर्ग महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पानी नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, भीड़ लाई हुई है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आप वार्डों में पता करिए, जिन वार्डों का ये नाम ले रहे हैं 4, 56, 1, 17 और 40, 4 नंबर वार्ड में आज आयुक्त महोदय और नगर निगम के पूरे अधिकारी वहाँ के पार्षद पति दिनेश देवांगन जी के साथ घूमे हैं और वहाँ पानी आ रहा है। हमारे पास वीडियो है उसका, आप देख सकते हैं। और भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जिन जिन वार्डों में उन्होंने नाम लिया आप खुद जाके पता कर सकते हैं। जनता को गुमराह करने का काम भाजपा कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा नहीं है
तो कुछ ना कुछ तुमको करना पड़ेगा। आप परिषद का दोष है, DPR MIC में पास होके गया है, उन्होंने 25,000 नया कनेक्शन देने की बात लिखी, जबकि 2011 के सेंसस में 50,000 से ऊपर मकान है। उन्होंने किलोमीटर गलत सर्वे किया है। अमृत मिशन की योजना के अंतर्गत हर घर पानी देने का संकल्प है, तो जब हर घर पानी देना है तो 20,000 मकानों को उन्होंने क्यों छोड़ा? क्यों सिर्फ 482 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की बात कही? DPR बनाते समय इन लोगों ने चूक की, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी परिषद, हमारे अधिकारियों की अथक मेहनत के बाद जिन क्षेत्रों में गुड़गांव करीडी जहां पिछले 30 साल से पानी सप्लाई नहीं हुआ था, वहां आज हम लोगों पानी पहुंचाए, वहां की पब्लिक बहुत खुश है। 50,000 लोगों को नया कनेक्शन दिया गया, बाकी लोगों को पुराने कनेक्शन से पानी सबको जा रहा है। गलत DPR बनने के कारण ही ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पानी की कहीं पूरे शहर में समस्या नहीं, दुर्ग निगम के समस्या नहीं है। और छोटी मोटी समस्या आती रहती, कभी लाइट गोल के कारण, कभी कहीं एकाध गली में कोई कचरा फंस जाता है, लेकिन उसका तुरंत निराकरण हम लोग करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।